तो मलयालम मूवी आर्म या ए आर एम वो देख क्या रहो, जो एक फैंटेसी ट्रेजर हंट टाइप मूवी है भाई। मूवी कमाल की है, 30 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी है, और उस हिसाब से ये मूवी की स्टोरी कमाल की है। एक ट्रेजर हंट टाइप मूवी है, मतलब भगवान के साथ जोड़ के ये स्टोरी मतलब कमाल के बनाई है। अगर तुमने कार्तिकेय 2 मूवी देखी है तो भाई वैसा वाला मजा चाहिए तो ये मूवी में है। इसके अंदर मतलब 3 जनरेशन की कहानी दिखाई गई है, मतलब बहुत ही 100-150 साल की कहानी इसके अंदर हमें सुनाई गई है, और वो 3 जनरेशन एक भगवान की मूर्ति किस तरह मतलब बचा रहे हैं वो इसके अंदर हमें देखने मिलता है। और वो मूर्ति कोई मामूली मूर्ति नहीं है, मतलब उसको एकदम भगवान से जोड़ के रखा गया है। वो मूर्ति किस तरह बनाई गई और किस तरह वहां पे आई है उसकी स्टोरी मतलब इसके अंदर हमें दिखाई गई है, जो कमाल की है। टोविनो थॉमस इसके अंदर मेन लीड में देखने मिलते हैं, जो मतलब 3 जनरेशन का कैरेक्टर प्ले किया है, और 3 जनरेशन का जो इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है मतलब उनका काम कमाल का है। 30 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी है, और उस हिसाब से इसका काम लिटरली मतलब कमाल का है। मतलब मलयालम इंडस्ट्री काम तो अच्छा कर रही है। 3 जनरेशन की स्टोरी दिखाई गई और जिस तरह उसको मर्ज करके मतलब स्टोरी में रखा गया है, लिटरली वो कमाल का है। मतलब कहानी में इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग तो बना रहता है। तुम्हें मतलब एक ट्रेजर हंटर टाइप मतलब बहुत ही ऐसी कहानियां पसंद है, मतलब खजाने को बचाना या उसको किस तरह चुराना, तो ये मूवी सिर्फ तुम्हारे लिए है। लास्ट ऐसी मूवी मैंने कार्तिकेय 2 देखी थी, उसके बाद मतलब शायद कोई ऐसी मूवी आई थी। फिर ये आर्म मूवी देखी भाई, मजा तो आया। देखो मूवी में थोड़े विजुअल्स और VFX थोड़े और अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। मतलब इतने कम बजट में इतनी अच्छी स्टोरी के साथ इतना अच्छा काम दिया है तो वो तो कमाल का है भाई, पैसा वसूल मूवी है। टोविनो थॉमस के अलावा कृति सेट्टी मेन लीड में देखने मिलती है, इसके अलावा सुरभि लक्ष्मी भी देखने मिलती है, उनका काम भी भाई कमाल का है। मलयालम मूवी है लेकिन मैंने हिंदी में देखी, और इसकी हिंदी डबिंग लिटरली मतलब कमाल की, कहीं भी कुछ भी ऐसी मिस्टेक नहीं लगी, यानी कि हिंदी डबिंग तो अच्छी है। देखो भाई मूवी की स्टोरी बहुत ही पसंद आई मुझे, मतलब कमाल का है। मतलब ऐसी कहानी और ऐसी जो मूवीज डिजर्व करती है मतलब 200-300 करोड़, तो प्लीज जाके देखो और थोड़ा सपोर्ट करो इस मूवी को। देखो झूठ नहीं बोलूंगा, दिल से बोलूंगा, मूवी कमाल की है। देखो 3 जनरेशन की कहानी है, लेकिन उसके अंदर जो नई जनरेशन वाली कहानी है, अगर उसको ना दिखा के मतलब 2 जनरेशन को रख के मतलब अच्छे से एकदम एकदम पुरानी टाइप स्टोरी बनाते, एकदम ट्रेजर हंटर टाइप और बहुत ही अच्छे से एकदम फैंटेसी टाइप, तो मूवी और बेहतरीन हो सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन नो डाउट मूवी बहुत ही अच्छी है। ओवरऑल अगर तुमने ये मूवी देखी है तो मुझे अपना ओपिनियन बताओ कि तुम्हारा इस मूवी के बारे में क्या कहना है। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।